ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। आज बहुत लंबे समय के बाद अपने बच्चे को ऐसे हंसता मुस्कुराता देखकर तुम्हारे बाबा को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखी है। लेकिन अब ये खुशी हमेशा तुम्हारे चेहरे पर यूं ही बनी रहेगी, क्योंकि जो बुरा दौर था, जो दुख का समय था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब कभी तुम्हारे जीवन में लौट कर नहीं आएगा और अब तुम हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहोगे। मेरे बच्चे, बहुत लंबे समय तक तुमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता किया है, छोटी छोटी ख्वाहिशों को दफन कर दिया है और हर बार अपनी इच्छाओं को दबाया है, हमेशा अपनों को खुश रखने की पूरी कोशिश की है और अपनी इच्छाओं के बारे में कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान दिल से रिश्ता निभाता है, उसके जैसा इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। जो अपनी खुशी की परवाह किए बिना दूसरों को खुशियां देता है, उसके जैसा सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब तुम्हें अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब तक तुमने हमेशा दूसरों के लिए किया है, लेकिन अब थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो, अपने बारे में भी सोचा करो, अच्छे से सच सवर कर रहा करो। क्योंकि बहुत समय तुमने बहुत दुख देखे हैं, बहुत रुलाया गया है तुम्हें और बहुत सताया गया है तुम्हें, लेकिन तुमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। अगर तुम्हारे मन की परिस्थिति किसी ने जानने की कोशिश भी की, तब भी तुमने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट बनाए रखी और सबको यही एहसास दिलाया कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन अपने आंसुओं को अपने बाबा से कभी छुपा नहीं पाए। लेकिन अब ये आंसू तुम्हारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएंगे। गुजरा हुआ अतीत अब कभी लौट कर नहीं आएगा, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो गुज़र चुका है। वो अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था, वो चला गया है, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो तुमसे इस बुरे समय ने छीन लिया है, मैं जानता हूँ तुमसे बहुत कुछ दूर हो गया है, जिसे तुमने अपना जीवन माना था। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे नाते हैं जो तुमसे बहुत दूर चले गए हैं। तो मेरे बच्चे, उन सबको भुलाने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन कभी नहीं रुकता है। अगर आज अच्छा समय है तो इंसान को बुरा समय ज़रूर देखना पड़ता है, तो इसलिए जो भी हुआ आपकी भलाई के लिए हुआ। ये बुरा वक्त आपके जीवन में आया तो ये आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा। इस सीख को हमेशा याद रखना और जीवन में आगे बढ़ना। क्योंकि मेरे बच्चे, आपने हमेशा दूसरों की सहायता की है और दिल खोल कर दान दिया है, लेकिन जब आपको किसी के साथ की ज़रूरत थी, किसी की सहायता की ज़रूरत थी, तब आपकी सहायता नहीं की गई है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम दान मत करो, दूसरों की सहायता मत करो, लेकिन थोड़ा जांच परख लो, इंसान को समझना सीख लो। जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब तुम्हें सहायता की ज़रूरत थी, क्या कोई तुम्हारी सहायता करने के लिए आया? कोई नहीं आया, क्योंकि वो लोग तो हमेशा तुम्हारा धन चाहते थे, धन दौलत से प्यार था उन्हें तुम्हारी, कभी तुमसे किसी ने प्रेम नहीं किया। क्योंकि अगर तुमसे प्रेम होता तो वो तुम्हारा साथ ज़रूर देते, क्योंकि सच्चा साथी जो होता है वो परिस्थिति और हालात नहीं देखता, वो हर कदम पर आपका साथ निभाएगा। लेकिन जो इंसान आपकी परिस्थिति और हालात देखकर आपका साथ निभाता है, तो वो आपका साथ कभी ना कभी छोड़कर चला जाएगा। तो जो हुआ आपकी भलाई के लिए हुआ, और अच्छा हुआ कि बाबा ने आपके जीवन से ऐसे बुरे लोगों को बहुत दूर कर दिया है, जो कभी आपके अपने थे ही नहीं। इस भ्रम को कब तक अपने जहन में पाले रहते? जितना ज़्यादा गहरा वहम होता, उतना ज़्यादा दर्द होता। अब तुम्हें दुख मिला है, कुछ ही समय का है, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए, ये दुनिया चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
कुछ विरोधी लोग हैं जो तुम्हें दुख देखकर ही खुश होते हैं, उन्हें तुम्हें दुखी देखकर ही अच्छा लगता है, और वो हमेशा तुम्हारा विरोध करते हैं, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी के कहने करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी होता है वो तुम्हारे बाबा की मर्जी से होता है। और अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है पूरी तरह से। अब इस बुरे समय ने जो सीख दी है, जो सबक दी है, उसे हमेशा जीवन में याद रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि अब गुजरा हुआ बुरा अतीत कभी लौट कर नहीं आएगा। जो तुम्हारे बुरे कर्म थे, जो तुम्हारा बुरा दौर था, वो अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारे बाबा तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। जब भगवान हमसे किसी का हाथ और साथ छीनते हैं, तो वो किसी न किसी उंगली थामने वाले को ज़रूर भेज देते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसे इंसान को ला दूँगा जो तुम्हारे जीवन को ही पूरी तरह से बदल देगा। अपने बाबा पर हमेशा यूं ही विश्वास बनाए रखना, लेकिन दुनिया को परखना सीख लो, सही गलत का अनुमान लगाना सीख लो, क्योंकि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसलिए सहायता ज़रूर करो, लेकिन ज़रूरतमंदों की। और अपने बाबा पर यूं ही विश्वास रखना, अब एक भी आंसू तुम्हारी आँख में कभी लौट कर नहीं आएगा। सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा रोशन करती रहेगी। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।